उत्तर प्रदेश के नोएडा में 32 माले का ट्विन टावर इमारत ध्वस्त हो गया। दरअसल नोएडा में बने सुपरटेक के अवैध ट्विन टावर ढहा दिए गए। आपको बता दें कि 100 मीटर से ज्यादा ऊंचाई वाले दोनों टावर गिरने में सिर्फ 12 सेकंड का वक्त लगा। जिन्हें गिराने के लिए 3700 किलो बारूद का इस्तेमाल किया गया था, जिसके बाद दोनों टावर करीब 80,000 टन मलबे में तब्दील हो गए, जिसमें कंक्रीट और स्टील शामिल है, जिनकी कीमत करीब 15 करोड़ रुपए आंकी गई है। नोएडा से संवाददाता राहुल मिश्रा की रिपोर्ट।